नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डी के लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो 30 फीट बाय 30 फीट का एक प्लान आपके लिए लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझेंगे, उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 फीट जो इस प्लॉट का फ्रंट है, बहुत ही शॉर्ट में यह प्लान आपको समझाऊंगा। देखिए मेन गेट जो है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, पार्किंग के लिए जगह मिलती है 9 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 10 इंच की। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप चढ़ के इस वरंडे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो वरंडा रहेगा, वरंडे से एंट्री कर सकते हैं हमारे हॉल में। ये जो है पूरा हॉल जो है 11 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 5 इंच है, मतलब लगभग यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 3 फीट जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब लगभग 14 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 5 इंच का यहाँ पर, मतलब 14.5 फीट बाय 13.5 फीट का यहाँ पर हॉल का साइज मिलता है। उसमें स्टेयर के साइड किया है, देखिए आप देख सकते हैं स्टेयर के जो है यहाँ से स्टार्ट किया है, उसके बाद में यहाँ से टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो स्टेयर के जो है इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पीछे साइड में आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक लॉबी नजर आ जाएगी। यहाँ से हम एंट्री करते हैं किचन में। इससे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए 8 फीट बाय 4 फीट का एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, मतलब अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है जो कॉमनली यूज किया जाएगा। तो लिविंग रूम से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का यहाँ पर एक हमारा किचन दिया है, 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का। यहाँ पर इसको जो है पीछे साइड में एक वॉश एरिया दिया गया है। अब ये प्लॉट जो है टोटल जो है तीनों साइड दूसरों के प्लॉट्स है, फ्रंट साइड में हमारा रोड है, इसलिए यहाँ पर जो वॉश एरिया दिया गया है यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर यह पूरा वॉश एरिया यूज कर सकते हैं लेकिन ऊपर हम स्लैब नहीं डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मास्टर बेडरूम बताया गया है, 10.5 फीट बाय 10 फीट का इसका साइज है और जिसमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है 4 फीट बाय 7 फीट का, और ये ड्रेसिंग जो है वो अलग है और इसको वेंटिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में इसको गैलरी भी दी गई है 3 फीट की। अब ये जो भी गैलरी है ये भी हमें ओपन टू स्काई रखना पड़ेगी क्योंकि हमारा इस साइड में भी हमारा प्लॉट नहीं है, लेकिन आपके प्लॉट में आजू बाजू में जगह है तो यहाँ पर आप आराम से स्लैब डाल सकते हैं। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना गया है, फिर इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि और भी घर पे आप समझ सके। और इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर होती है। ये पूरा डुप्लेक्स हॉल है, मतलब ये हॉल का स्लैब जो रहेगा, मतलब छत जो रहेगा डायरेक्टली 20 फीट की हाइट पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी एंट्री होती है इस बालकनी पर, यहाँ पर हम खड़े रहते हैं तो नीचे हमें पूरा नीचे का जो पूरा नजारा हमको नजर आ जा रहा है। और यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं, यहाँ पर पूरा सीट आउट का एरिया दिया गया है 13 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 6 इंच का, और उसके बाद में यहाँ पर जो पैसे छोड़ा गया ये एक्स्ट्रा छोड़ा गया, ये पूरा का पूरा सीट आउट एरिया कर सकते हैं हमारे हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है जैसे कि नीचे दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर एक 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का यहाँ पर बेडरूम दिया गया है। अब ये जो बेडरूम है नीचे यहाँ पर हमारा किचन था, इसके ऊपर हमने बेडरूम दिया है। और पीछे के साइड में जो हमने कहा था आपको जो नीचे हम वाशेरिया यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हमने उसको पैक कर दिया है, मतलब यहाँ पर कोई भी डोर नहीं रखा है, यहाँ पर एक विंडो रखा है। तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। बाद में ये जो बेडरूम है सेम है जैसे कि नीचे दिया गया था, और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम भी सेम है, लेकिन इस साइड का भी गैलरी जो है हम फर्स्ट फ्लोर पर नहीं यूज करेंगे वेंटिलेशन के लिए। तो इस टाइप में ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का प्लान था। तो 30 फीट बाय 30 फीट का, मतलब लगभग 900 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया था जिसमें ये पूरा प्लान बनाया गया है। आशा करता हूँ आज का जो प्लान है आपको डिटेल में समझ में पसंद आया है। अगर आपको प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज आ सकती है उनके प्लान के लिए, उनके घर के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।